जश्न आजादी का त्योहार आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने जहां शहीदों को नमन किया तो वहीं कहा कि जिन शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं उनकी शहादत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिली, जिससे खुश होकर मंत्री जी ने बच्चों के लिए जहां कल छुट्टी की घोषणा की तो वहीं इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया। बाइट स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया और उन शहीदों को नमन किया गया जिनकी वजह से आज ये देश जश्न आजादी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश और देशवासियों को भी हरियाणा के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जश्न आजादी की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो आज मैं देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज का ये स्वतंत्रता दिवस का दिन 15 अगस्त का जो दिन शहीदों के सम्मान में और जो हमारी आज़ादी मिली उसके खुशी में ये मनाया जाता है, तो आज का जो दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के त्याग और बलिदान की वजह से हमें मिला है, तो मैं सबसे पहले उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हमें ये आज़ादी का दिन मिला और हम उन्हीं की वजह से आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं उन जवानों को भी नमन करता हूँ जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसी की वजह से आज हम और आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनको मैं नमन करता हूँ। और ये देश की आज़ादी और आज हमारा पर्व है ये इसी तरह मनता रहे और इसके लिए जो हमारे देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी त्याग और बलिदान की जरूरत पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहें। चुनावों में तमाम पार्टी के लगातार आप मानते हैं कि आपकी सरकार ने नेता बीजेपी के ऐसा देखो चुनाव के अंदर विपक्ष के लोग इस तरह की गलत प्रचार करते हैं और ये मूल चुनाव में होता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि भ्रष्टाचार से होता है। आपकी पार्टी के राम मंदिर की बात करें, नदी की बात करें, मैंने कहा ना कि ये चुनाव में इस तरह की बातें आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लगातार वो अपने चुनावी दावों में कहते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अधिकारी पे लगाम, क्या आप अधिकारी पे लगाम? मैंने कहा ना चुनाव के अंदर हर आदमी अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने के लिए इस तरह की जानबाजी करते रहते हैं। चुनाव की तैयारी देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मैदान में रहता है और हमारी पार्टी पन्ना प्रमुख तक संगठन को मजबूत किया हुआ है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बात का द्योतक है कि हमारी बेटी भी आज किसी से कानून व्यवस्था में
एनसीसी जूनियर विंग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक सिविल लाइन कमांडर अपना योगदान देते हैं। निर्भय बेदी इसकी कमान कर रहे हैं। स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स नेतृत्व हंसी और उनके पीछे आ रहे हैं प्रजातंत्र के पैरी ऋषिका गुप्ता के नेतृत्व में। और अब हमारा बीएसएफ मोर्ची से पुलिस बैंड एएसआई सुभाष के रचना बंसल के बाद सोनू यादव जी उसके बाद पंकज शर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड बाद है कंवरपाल जी कंप्यूटर ऑपरेटर कृषि ब्रांच उसके बाद हैं श्री आनंद कुमार हमारे सेवादार श्री एम ऑफिस उनके बाद है श्रीमती निर्मला देवी जूनियर प्रोग्रामर और उनके बाद सेवादार सिद्धार्थ भारद्वाज पटवारी राजस्व विभाग से जूनियर प्रोग्रामर नेहा कंप्यूटर ऑपरेटर चंचल इनके बाद जो पुलिस विभाग का अगला बैच है वो है मुख्य सिपाही वीरेंद्र गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।